फ्रेंड्स, अगर आप लेमन टी पीने का शौक़ रखते हैं या आपकी डेली रूटीन में लेमन टी शामिल है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेमन टी की पहचान क्या है। आप जो चाय पी रहे हैं वो कड़वी चाय है, तो आप ये याद रखें कि जो आप चाय पी रहे हैं वो लेमन टी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लेमन टी है वो कड़वी नहीं होती, ब्लैक टी होती है वो कड़वी होती है। आप जो लेमन टी पी रहे हैं वो गलत तरीके से बनाई हुई चाय पी रहे हैं, लेकिन आपने बाजार में देखा होगा उसमें पागलों की तरह ऐसे पूरा नींबू निचोड़ देते हैं और वो पिला देते हैं, वो लेमन टी नहीं होती। लेमन टी का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे यानी उस तरीके से बनाएंगे तो लेमन टी कभी भी कड़वी नहीं बनती। तो सबसे पहले तो हम लेमन टी बनाने का फॉर्मूला देख लेते हैं, उसको बनाते कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करके एक पतीला रखेंगे जिसमें हम चाय बनाते हैं। ध्यान रहे वो पतीला बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें दूध की चाय बनाई हुई नहीं होनी चाहिए। और हमने इसमें लगभग 250 ml पानी ले लेना है, क्योंकि हम 2 कप चाय बनाएंगे ये। और इस पानी को हमने हाई फ्लेम पर बॉयल करना रख देना है। ये देखिए, जब पानी बॉयल होने लग जाए सबसे पहले हमने गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे कर देना है। गैस का फ्लेम लो पे करके हमने 2 से 3 ग्राम चाय पत्ती इसमें डालनी होती है। ये देखिए, अब हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर घड़ी का टाइमर सेट कर देते हैं 3 से 5 मिनट। ये देखिए, ये घड़ी है, इसमें हम चालू कर देते हैं जो टाइम है वो, हम 3 से 5 मिनट हमने इसको पकाना होता है। ये देखिए चालू हो गई है। अब ये जैसे ही 3 मिनट होगी तो आपको मैं इसका कलर दिखाऊँगा। अगर आप इस चाय को हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो ये ब्लैक टी होगी, क्योंकि हाई फ्लेम पर चाय पकाने से उसमें कड़वापन आता है, और लो फ्लेम पर पकाने से चाय पत्ती का जो कड़वापन होता है वो चाय में नहीं जाता है, बल्कि इसका जो कस होता है वो इसमें जाता है। आपने सुना होगा जापान में चाय है वो लगभग 30 तरह की बनती है। अभी मैं लेटेस्ट अपने देश में जो दार्जिलिंग जगह है, चाय का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे मैं घूम के आया हूँ। मैं स्पेशल एक्सपीरियंस के लिए गया था कि वहाँ पे जो हम चाय पी रहे हैं क्या हम सही तरीके से चाय पी रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो पुराने लोग हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से चाय बनाते हैं, यानी उनका जो पौराणिक तरीका है उससे चाय बनाते हैं। आप उनका चाय का तरीका देखोगे तो आप खुद कहोगे यार हम पता नहीं क्या बना के पी रहे हैं, चाय तो असलियत में वो पीते हैं। तो ये सब वहीं के फार्मूले हैं। आपको मेरे चैनल पर जो भी फार्मूले मिलेंगे वो दार्जिलिंग टी के मिलेंगे। दूसरी गलती क्या है, हमारे घर में जो चाय पत्ती रखी होती है हम उसी से लेमन टी बना लेते हैं। क्या जो हमारे घर में डेली रूटीन में जो चाय पत्ती हम यूज कर रहे हैं उससे लेमन टी बनती है, या इसके लिए कोई अलग चाय पत्ती होती है, वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो जो लेमन टी बनाने के लिए जो हम चाय पत्ती यूज करते हैं उसका ब्रांड का नाम क्या है मैं ओपनली तो बता नहीं पाऊंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मैं कैपिटल लेटर में लिख के बता दूंगा। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस चाय का ब्रांड है वो नाम लिखा मिलेगा, जो आपको लगभग सभी जगह मिल जाएगी। फिर आप लेमन टी बना के पीना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपको ये तरीका पहले से पता था या आपने अभी सीखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाय को बनते हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं, यानी 3 से 5 मिनट हमने इसको बॉयल करना था। अब ये चाय बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, अब हम इस चाय को छान लेंगे। ये 2 कप लिए हैं मैंने, इनमें मैं आपको नींबू डाल के इसका कलर दिखाऊंगा, इसमें क्या डिफरेंस होता है नींबू डालने से। ये सेम चाय है इसका कलर में, और इसका जो लेमन टी को आप कैसे पहचानेंगे आपकी लेमन टी है वो बिल्कुल सही बनी है। ये देखिए, हमने इसमें लेमन की 5 बूंदें डाली, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम इसको ऐसे हल्का हल्का मिक्स करेंगे। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा इसका, जैसे हमने इसमें नींबू डाला इसका कलर है वो लाइट हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपने स्वाद अनुसार चीनी ऐड करेंगे। आप अगर हनी लेना पसंद करते हैं तो आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हनी डालने से आपको एक सावधानी का ज़रूर ध्यान रखना है, हनी वाली चाय पीने के आपने 2 घंटे तक घी वाली चीज़ नहीं खानी है, वरना आपके शरीर में पॉइजन बन जाएगा। पॉइजन का मतलब ये नहीं है कोई मरता नहीं है, लेकिन उससे शरीर में गांठे बनना या कोई और आपका जो कोई शरीर का अंग है वो डैमेज होने के चांस होते हैं। हनी और घी एक साथ नहीं खाना चाहिए। ऐसे हमें कैसे पता लगेगा हमने चाय पत्ती कम डाली है या ज़्यादा, ये देखिए, हम इसके उस पार उंगली ले जाएंगे तो उंगली हमें दिखाई देनी चाहिए, ये ऐसी उसकी परछाई हमें दिखाई देनी चाहिए, यानी हमने इसमें चाय पत्ती सही डाली हुई है। अगर ये ज़्यादा डार्क है तो इसमें कड़वा टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आने वाले टाइम में आपको जल्दी ही ब्लैक टी और लेमन टी में क्या अंतर होता है, ब्लैक टी बनाने का क्या तरीका है वो भी बताया जाएगा, साथ में आपको चाय पत्ती की जो डिफरेंट होता है वो बताया जाएगा, यानी कौन सी चाय पत्ती से कौन सी चाय बनाई जाती है। दूध वाली चाय के लिए अलग चाय पत्ती होती है, लेमन टी के लिए अलग, और ब्लैक टी के लिए अलग चाय पत्ती होती है। इसके लिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो,
ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बहुत सारी रेसिपी की वीडियो अवेलेबल है, उन्हें देखते रहिए।